नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर करौली जिले से है, जहां मामचारी में चल रहे नरेगा के तहत कार्यों में कैला देवी मेन रोड से नवीन विद्यालय के लिए रास्ता बन रहा है। वहीं घटिया किस्म का मटेरियल एवं ईंट, कम मात्रा में सीमेंट तथा उबड़ खाबड़ मिट्टी में ही कारीगरों द्वारा लगाई जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और सरपंच सचिव को कार्य के बारे में पूर्व में भी अवगत करा दिया गया था। सरपंच आलोक कुमार को ग्रामीणों ने अवगत कराया, लेकिन सरपंच के ज्यों तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा काम सही चल रहा है तथा जिला कलेक्टर को भी पूर्व में इसको लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल पंचायत राज मंत्री के कोटा मामचारी दौरे के दौरान ग्राम मामचारी में इसको लेकर युवाओं का ज्ञापन दिया गया तथा ग्रामीणों का कहना है कि नरेगा के दौरान जो मस्ट्रोल चल रही है उसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, इनकी जांच भी मौके पर होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अखिलेश मीना, पिंटूलाल मीना, कल्ला बबलू रमन, राज मीना, इशाक खान, धनपाल, लाला राम, लोकेश, जितेंद्र, खुशीराम आदि ग्रामीण मौजूद रहे। खबर करौली जिले के हिंडौन से है, जहां आरओबी से कोतवाली तक बन रही सड़क को 14 करोड़ स्वीकृति हुए हैं। 5,000 से ज़्यादा वाहन चालक रोज परेशान हो रहे हैं। करौली महुआ मार्ग की स्टेट हाईवे सड़क हिंडौन में कई स्थानों पर जर्जर अवस्था में है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मा डागुर ने बताया कि हिंडौन में सड़कें ही नहीं, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, शहर की सफाई व्यवस्था, गाँव की सड़कों को की व्यवस्था बहुत जर्जर एवं दयनीय बनी हुई है। धर्मा डागुर ने बताया कि स्थानीय विधायक की इच्छा शक्ति केवल अपने घर को मजबूत करने में है, जनता में कोई सरोकार नहीं रखते हैं। ठेकेदार वीर सिंह जाटो ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक जनता से सरोकार नहीं रखते हैं, अपने परिवार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इनकी उदासीनता के चलते हिंडौन शहर की को नरक बना रखा है। जाटो ने बताया कि भरतपुर आता है, लेकिन जनता से जुड़े कार्य विधायक करना नहीं चाहते, वो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जनता से किए वादे अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। जनता से कार्यों को लेकर झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। रेलवे ओवरब्रिज से कोतवाली तक 3 किलोमीटर सड़क के लिए 19 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसके बाद जुलाई में 14 करोड़ में टेंडर हो गए। निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि 10 माह तय की गई है, लेकिन ठेकेदार की ओर से 25 सितंबर बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो धीमी गति से चल रहा था। अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है, ऐसे में 10 माह में कैसे काम पूरा होगा। एक तरफ से यातायात को बंद करने से इस मार्ग से प्रतिदिन 5,000 से अधिक वाहन चालकों का आवागमन होता है और झरझर सड़क के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। धूल उड़ने से दुकानदार और वाहन चालकों की आए दिन सेहत खराब हो रही है। समन्वयक की ओर से मनचाहे जब काम बंद और शुरू करने से सड़क निर्माण तय सीमा में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता भी सड़क निर्माण जल्दी करवाने को लेकर गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वीएमआर भारत टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता। जनता त्रस्त है, विधायक मस्त है। ये देखो, विधायक 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, ठेकेदार पे पता नहीं ठेकेदार की कमी है या विधायक की कमी है। आज हम काफी समय से एक साइड के रास्ते से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। मशीन रखी हुई है, बजट काफी है, स्वच्छता के नाम पर परिवारवाद यहाँ पर इतना हावी है। चेयरमैन, प्रधान, विधायक तीनों एक ही परिवार से। एससी में जब तक बदलाव नहीं होगा, एससी का विधायक बदल के नहीं आएगा यहाँ पर, जब तक कोई हिंडौन का विकास नहीं होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के लिए बहुत बजट दिया हुआ है, लेकिन स्वच्छता देख सकते हो आप, क्या नरक हो रहा है, क्या मच्छर हो रहे हैं यहाँ पर। जब तक हिंडौन की जनता जागेगी नहीं और उस परिवार से मुक्त नहीं होगी, विधायक हमारा बीजेपी का चेंज नहीं होगा, जब तक ये लोग हिंडौन का भला नहीं कर सकते। पूरा होना था वो आज तक पूरा नहीं है, आज तक पूरा नहीं हुआ। ठेकेदार को ये सोचना चाहिए कि हमारा यहाँ पर शायद राजस्थान में पहले नंबर का मेला लगता है माता रानी का। भ्रष्टाचार का आज जीता जागता है नमूना सूरत थाने से, आपके सारे मीडिया पर पता है। थानेदार जब थानेदार ही यहाँ पर भ्रष्टाचार में बंद हो रहे हैं, तो जनता के साथ में क्या स्थिति हो रही होगी। पूरे प्रशासन को, पूरे शासन को विधायक जी ने अपने उसमें कर रखा है। आप तो लूटो जनता को,
और आपकी बल्ले बल्ले गहलोत, शायद हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ के मुखिया मुख्यमंत्री की तरफ से भी यह आदेश मिला हुआ है, जनता को लूटो, जनता को बेवकूफ बनाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब, यहाँ विधायक तो कोई है ही नहीं है, यहाँ तो वो तो अपने आप को राजा मानते हैं। विधायक नहीं, एससी सीट है, यहाँ एससी विधायक होना चाहिए। वो तो राजा है, अपने आप को राजा मानते हैं, वो तो किसी को मिलते भी नहीं, जुलते भी नहीं है। और यहाँ का विकास तो आप देख ही रहे हो ना, ऐसा नहीं लगता कि हिंडौन के नाम से कोई विधानसभा है। यहाँ के जो विधायक है स्थानीय, उनके पास तो पूरा शहर, पूरा तहसील, पूरा यहाँ के राजा है। वो बेटा चेयरमैन, एक बेटा प्रधान। भाई सब, कारण यही है कि ये एससी सीट है। तो क्या एक एक ही परिवार से सारा कुछ होना चाहिए क्या? और कोई दलित नहीं है यहाँ पर क्या? क्या एससी नहीं है क्या? क्या ऐसी समाज नहीं है? ऐसी जातियाँ नहीं है क्या यहाँ पर? क्यों करेंगे वो काम? सारा कुछ तो उन्हीं के पास है, सारे डिपार्टमेंट उनके पास है, बस चाहते ही नहीं है, नरक बना रखा है पूरे शहर को। देखो, कारण तो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, जो आदमी बजट की तो कमी है ही नहीं है, लेकिन जब काम ही नहीं करना चाहते हैं। कुछ काम नगर पालिका के अंदर के हैं, कुछ प्रधान के ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति उसके अंदर के, बाकी तो सब विधानसभा के अंदर के, विधायक के अंदर के हैं। अगर हम किसी पर इल्जाम लगावे तो वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बोले भाई साहब ये भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस से लेकर दिल्ली तक। उनका काम है अपने जेब भरना, जनता के जेब को खाली करना, सरकार के जेब को खाली करना, सरकार के फंड को इधर उधर लगाना, झूठे सांठे वादे कर करके और मैदान में आ जाना। कहना तो बहुत कुछ है, हिंडौन में केवल रोड नहीं, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, यहाँ की शहर की सफाई व्यवस्था, यहाँ के गांवों की रोडों की व्यवस्था, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ के विधायक की इच्छा शक्ति केवल अपने घर को मजबूत करने में लगा हुआ है, यहाँ का विधायक अपने परिवार को मजबूत करने में लगा हुआ है, हिंडौन की जनता की कोई चिंता नहीं करता। वैसे तो इनकी पूरी कांग्रेस की स्थिति है, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस केवल अपने घरों को भरने में लगी रहती है, पर हिंडौन की दयनीय स्थिति, चाहे यहाँ की पेयजल व्यवस्था हो या यहाँ की सड़क की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, बड़ी चिंता होती है कि यहाँ का विधायक केवल अपने परिवार को मजबूत करने में व्यस्त है और यहाँ की जनता बहुत परेशान है। मीडिया के बंधुओं के द्वारा और हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा बार बार ये आग्रह किया गया कि हिंडौन की दुर्दशा जानबूझकर यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ सरकार के लोगों के द्वारा की जा रही है। उनको पता था कि कैला माता का मेला और लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे, पर जानबूझ करके एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, देखो हम हिंदू समाज के मंदिरों को, हिंदू समाज के लोगों को कैसे परेशान करते हैं, ये मैसेज देने के लिए जानबूझ करके ये दुर्दशा रखी गई। उदासीनता केवल यहाँ के विधायक की रही है, उदासीनता केवल यहाँ के विधायक की रही है, उदासीनता यहाँ के प्रशासन के लोगों की रही है। जनता चाहती थी विकास कराना, जनता को उम्मीद थी कि अब इसका पूरा परिवार मजबूत हो चुका, अब ये यहाँ विकास कराएगा, पर वो संभव नहीं हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी करौली द्वारा आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा शामिल हुई। मंत्री मीणा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के तानाशाही एवं षड्यंत्र के चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करके लोकतंत्र के मूल्यों का गला घोटने के विरोध में आज जिला मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार की तानाशाही एवं भाजपा के षड्यंत्र के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय सत्याग्रह किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू, ब्लॉक अध्यक्ष राम गोपाल माली, कन्हैया लाल शर्मा, पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, लज्जा राम वर्मा, लियाकत अली, भूपेंद्र भारद्वाज, करौली नगर से नगर परिषद उप सभापति सुनील सैनी, हिंडौन पूर्व उप सभापति नफीस अहमद, महिला कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष शरदो गुर्जर सहित कांग्रेस के जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, नगर परिषद पार्षद सहित सभी कांग्रेस जन मौजूद रहे। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी का जिस तरह से संवैधानिक तरीके से निष्कासन किया है, उनकी सदस्यता समाप्त की है, उसके विरोध में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इन फिरकापरस्त ताकतों को तोड़ जवाब देने के लिए पूरे देश में कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर अभी प्रदेश कांग्रेस की ओर से निर्देश मिले हैं, जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे हम गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठकर हम ये बता रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनके जो टीम है वो जिस तरह से तानाशाही रवैये से काम कर रही है, एक तरह कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। हम देश को बचाने के लिए
ऐसे लोगों से जो देश में ऐसा एक तंत्र विकसित कर रहे हैं जो लोगों को देश की बड़ी बड़ी संपत्तियों को बेच के और बाहर चले गए, चाहे उसमें ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, ये पूरे के पूरे लोग वो लोग हैं जब कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के साथ। जब ऐसा कुछ हो रहा है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कांग्रेस की विपक्ष के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को इन फिरकापरस्त ताकतों से और इन मौका परस्त ताकतों से बचाएं और देश में फिर से लोकतंत्र की बहाली के लिए जनता को जागरूक करें ताकि आने वाले चुनावों में हम इनको जवाब दे पाएं, देश की जनता इनको उखाड़ फेंके, क्योंकि ये वादा करके आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। इन्होंने वादा किया था सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। इन्होंने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे। देखिए आप किस तरह से हाल खराब करके रख दिया इन्होंने, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और अपने जितने दोस्त थे उन सबको इन्होंने देश से भगा दिया है और वो जाकर के विदेशों में ऐश कर रहे हैं। अभी रेड कॉर्नर नोटिस जारी जो हुआ था मेहुल चौकसी के खिलाफ, उसको भी नरेंद्र मोदी सरकार ने वापस ले लिया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश को बचाने के लिए। आज कांग्रेस जिला मुख्यालय पे सत्याग्रह कर रही है और हमें उम्मीद है कि देश की जनता आने वाले समय में जागेगी और इनको देश से निकालकर सत्ता से उखाड़कर फेंक देगी। ये मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार विपक्ष का गला दबाना चाहती है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और अडानी अंबानी जो भी देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको उठाना चाहते हैं। तो सरकार का जो रवैया है कि कोई भी आदमी सत्य बोले और उस भ्रष्टाचार का खुलासा करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक साजिश रचकर कि इनको गला दबाया जाए, इनकी सांसद की सदस्यता समाप्त की जाए, तो ये लोकसभा में नहीं बोल पाए। लेकिन राहुल गांधी का जी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है कि न डरूंगा न किसी को डराऊंगा और कोई मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। तो जो आदमी सत्य के रास्ते पर चलता है, अहिंसा के रास्ते पर चलता है, वो किसी से नहीं डरता है। तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का वाक्य जो देश में पहली बार हुआ है, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं कि महात्मा गांधी के बाद दूसरे नेता हैं जिन्होंने लोकतंत्र की बात को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश में आम आदमी और गरीब की सुनवाई हो और गरीबों को अधिकार मिले और देश की जो परिसंपत्तियां हैं उनका बेचने का जो सरकार काम कर रही है उनको रोके और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लवाण उपखंड मुख्यालय पर स्थित उपखंड कार्यालय पर सैनी समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले विकास संस्था के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर लवाण उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समूह दयाल सैनी, रामधन सैनी, शेर सिंह रजवास ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उन्होंने राज्य सरकार से राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। हनवली में 127वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का सिविक एक्शन का आयोजन हुआ। बीएसएफ सिविक एक्शन के दौरान डीआईजी ने लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्र में लड़कियों के लिए लाइब्रेरी का शुभारम्भ किया तथा आगामी समय में देश की प्रशासनिक सेवा तथा पुलिस सेवा, सैन्य सेवा तथा बीएसएफ में सेवाएं प्रदान करेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 14 बीडी के लिए स्टूल व डेस्क सहित 60 पीस और लेक्चर स्टैंड सहित वितरण किया गया। इस मौके पर उप जिला कलेक्टर अमिता बिश्नोई, असिस्टेंट कमांडेंट राजेश चौधरी, सरपंच श्रवण पूनिया सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लालचोट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत श्यामपुरा कला के गांव प्रेमपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर पर आज चोरों ने इन्वर्टर, बैटरी व पोषाहार चुरा कर ले गए। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता प्रकाशी मीणा ने बताया कि आज से पहले भी 6 बार चोरी हो चुकी है और आज फिर से चोरों ने 7वीं बार घटना को अंजाम दिया। सुबह 10 बजे केंद्र पर पहुंची तो मुझे ताला टूटा हुआ मिला, तो मैंने स्कूल के अध्यापकों व ग्रामीणों को बताया कि साथ ही
राष्ट्रीय जनसंबंधन पार्टी के दौसा जिला अध्यक्ष सुखराम मीना को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने जाबदा थाना इंचार्ज रिचपाल जी को सूचना दी। जाबदा पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया, वह साथ ही रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है एवं उन्होंने चोरों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। राष्ट्रीय जनसमर्थन पार्टी के दौसा जिला अध्यक्ष ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी से लोगों में दहशत है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र टेम्परा से प्रकाशी मीना कार्यकर्ता बोल रही हूँ। मैं 10 बजे स्कूल में आई थी, गुरुजी और हम साथ साथ आए थे, गेट का ताला गुरुजी ने खोला था। वहाँ से मैं मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर आ गई, सर उनके विद्यालय में चले गए। मैंने यहाँ आके देखा तो ताला टूटा मिला, सामान चोरी मिला, तो मैंने गाँव वालों और जिला अध्यक्ष सुखराम जी मीना को सूचना दी। वो मौके पर यहाँ पर आए और उन्होंने देखा तो यहाँ से सामान चोरी था, इन्वर्टर बैटरी चोरी था। सुखराम जी मीना ने जाबदा इंचार्ज को फ़ोन किया और वहाँ यहाँ मौके पे आए और उन्होंने यहाँ ताका मौका देखा और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर 7000 चोरी हो चुकी है, तो उनको जल्दी से जल्दी को पकड़कर जल्दी से जल्दी हमारा सामान उन्होंने से लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुमार शर्मा निवासी डिडवाणा प्रेमपुरा नंदगर पर रोजाना विजिट करता हूँ, ममता संस्था की तरफ से हूँ मैं, कलेक्टर कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत हूँ। तो मैं रोजाना की तरह घर से आने को था मैं, तो प्रकाश जी का फोन गया मेरे पास कि सर कहाँ हो, बोले मैं घर हूँ, बोले सर आपने सेंटर पे चोरी हो गई है, बोले कि क्या क्या ले गए, बोले ऐसे ऐसे मैंने आके देखा तो यहाँ पे गाँव वाले अपने कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष साहब मौजूद थे और दो कांस्टेबल थे अपने जाबदा थाना से मौका मुआयना कर रहे थे यहाँ पे। तो हमारे सेंटर पे से एक तो बैटरी, एक इन्वर्टर और कुछ खाद्य सामग्री गेट में से निकाल के साहब ले गए और ये मैंने यहाँ पता किया तो पिछली 6 बार ऑलरेडी चोरी हो चुकी है, यहाँ पे 7वीं बार चोरी है। तो मैं चाहता हूँ थाना अधिकारी महोदय से कि जल्दी से जल्दी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारा सामान उपलब्ध करवाया जाए। उनके क्या है 6 बार चोरी कर ली तो 7वीं बार करी है तो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और हमारे बच्चे परेशान होते हैं, जो सामान वगैरह उपलब्ध है नंदगढ़ की तरफ से तो वो सामान ही नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या सुविधा मिलेगी। तो मेरा निवेदन है थाना इंचार्ज साहब से कि जो भी कुछ है निष्पक्ष जाँच की जाए, भाई हम भी दोषी हों तो हमें हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये निवेदन है साहब थाना अधिकारी जाबदा मोहल्ले से। सिवाना कस्बे में रविवार को सिवाना समदड़ी बालोतरा सहित विभिन्न में कार्यरत मीणा समाज के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा श्री मीणा समाज का प्रथम स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम लक्ष्मी वाटिका मैरिज गार्डन बालोतरा रोड पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक के मानवाधिकार आयोग के किशन सहाय मुख्यालय जयपुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक समाज अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को साहसी बनना जरूरी है, छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के साथ साथ कबड्डी कुश्ती खेल कूद से भी जुड़े रहना चाहिए, प्रत्येक समाज विज्ञानवाद बने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रहना पसंद करे, आर्थिक रूप से मजबूत बने। वर्तमान समय में हम विज्ञान तकनीकी में पिछड़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करें। इसी क्रम में SC ST प्रदेश अध्यक्ष जगदीश मीणा, RS CDPO पृथ्वी लाल गुड़ा मालानी, प्रशासनिक अधिकारी छगन लाल मीणा, जिला परिषद जालौर जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा बाड़मेर, जिला डॉक्टर BL अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ा मालानी, चीफ मैनेजर SBI ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर मीणा गुड़ा मालानी, संयोजक ओम प्रकाश मीणा बूंदी ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ समाज की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना होगा तथा शिक्षा के लिए क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान गायक रामू मास्टर एवं पार्टी द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए कार्यक्रम में मनोरंजन भरते हुए खूब वाहवाही लूटी। पांडाल में मीणा समाज सहित मौजूद समस्त बंधुओं ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ़ उठाया। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए VMR भारत TV और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।